हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। छोटू सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं, छोटा मोटा। तो यहाँ सरसों के तेल में राइस डाल के मैंने टमाटर में बेसिक मसाले डाल दिए, जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर। और बस अब इसको अच्छे से चलाएंगे। सिंपल सादा गाजर आलू की सब्जी बना रही हूँ। और गाजर आलू की सब्जी में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, लचलची बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसे ही खाता है, छोटा वाला बेटा है इस वजह से। और बस ये देखिए, इसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। और फिर बस इसमें गाजर आलू डाल देंगे। ऊपर से आप हरा धनिया भी डाल सकते हो काट के, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, लहसुन का पेस्ट और जो लाल मिर्ची का पेस्ट होता है वो भी आप डाल सकते हो, और हरे धने की चटनी वगैरह। तो मैं यहाँ लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, लहसुन और लाल मिर्ची का पेस्ट है ये। बस अब इसको अच्छे से हिला देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी ले लेंगे। तो ये यम्मी यम्मी अभी सीजनेबल सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। इस सीजन में गाजर बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था और इतने दिन सब्जी का जो है मैंने नहीं डाला था व्लॉग में, क्योंकि स्वामी जी नहीं थे 5-6 दिनों से। और अभी स्वामी जी आ गए हैं और बस सीटी आ गई, आटा मैंने लगा दिया, इधर ढक दूंगी क्योंकि जब खाएंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी। बस ये देखिए, ढक्कन खोल दिया। सब्जी को थोड़ी लचलचली करने के लिए इस तरीके से मैश कर देंगे। ये सब्जी कढ़ाई में भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हो। बट मेरे छोटे वाले बेटे को कुकर की पसंद है, इसलिए मैंने ये कुकर की बनाई है। और बस अभी जो है आप इसमें गरम मसाला ऐड करके 1 मिनट 2 मिनट और पका लीजिए। हरा धनिया भी डाल दीजिए साथ में। यहाँ मैं पापा जी के पराठे बना रही हूँ पापा जी के लिए, तो बस मोटे मोटे पराठे बना रही हूँ मैं, और थोड़े ज़्यादा करारे नहीं करूँगी क्योंकि पापा जी के दांत नहीं हैं। इस वजह से हम लोग तो जो है करारे बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं और बच्चे स्वामी जी। बस फिर मैंने थाली सर्व कर दी, यहाँ पर दही दे दिया मैंने, पराठे दे दिए। सॉरी गाइस, बैटरी लो हो गई फ़ोन की तो वही आवाज़ आई है। और लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी दे दी, सॉरी, और गाजर और आलू की सब्जी। दही में वो चीनी मिलाते हैं तो बस चीनी मिला लेंगे। और आज का हमारा लंच यही है, आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए। और बस फिर मैं टिफ़िन की तैयारी करने लग गई। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं मेरे लिए बना रही हूँ चाय, मैं चाय पीऊँगी, दोबारा वाली चाय थी वो। और बस फिर ये नीचे यहाँ पर आरती निशा की थ्रेडिंग बना रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आरती बहुत ही गुड गर्ल लड़की है और इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और ये अभी निशा की जो है थ्रेडिंग बना रही है। कई कस्टमर मेरे लेती है 6 महीने में ही। निशा को भी जो है अब मैंने कस्टमर लेने के लिए बोल दिया है, उसको बहुत अच्छी थ्रेडिंग 6 महीने में ही आ गई है। वेल डन निशा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो बेटा। और आरती तो कस्टमर मेरे हैंडल करती ही है। और बस यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर इसने थ्रेडिंग बना दी। और उसके बाद में ये देखिए, मजाक मस्ती चल रही है इन दोनों के। और ये क्रीम लगा दी सिर पे, बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती करती हैं ये, अच्छा भी लगता है मुझे। मेरी सारी लड़कियां जो पार्लर का कोर्स कर रही है, जो करके जा चुकी है, सभी बहुत ही अच्छी हैं। और बस उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे तेल मेरे ऑलरेडी लगा हुआ था सिर में, पर आरती मानी नहीं तो फिर वो हेड मसाज कर रही है। हेड मसाज का वीडियो आप मेरे इसी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर और जो है हैवी ऑयलिंग हेड मसाज, ये सभी आप विजिट कर सकते हो। इसके कई बेनिफिट है, और प्रेशर पॉइंट से दबाते हुए कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं वो फिर मैं ये जो है मसाज सिखाती हूँ, पार्लर से रिलेटेड सभी चीज़ें। उसके बाद में मेरे पुराने जो नेल पेंट था उसको रिमूव करके, और यहाँ पर निशा ने मेरे नेल पेंट लगाई है। और मेरे नेल आर्ट से जो रिलेटेड वीडियो है वो मेरे इसी चैनल पे कई मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप विज़िट कीजिएगा। और नेल्स को जो है प्रोटेक्ट, मतलब नेल्स की देखभाल कैसे करते हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, विज़िट कीजिएगा। पार्लर से रिलेटेड आपको सभी जो है मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आरती तेल मसाज कर रही है हाथ के, क्योंकि ये हाथ मेरा दर्द कर रहा था। आरती नहीं मानी मैम,
वो तो क्लीजिंग करने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोल रही थी, मैम लाओ क्लीजिंग कर देती हूँ, स्क्रब कर देती हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं मिलने ही गई थी दोनों से, आरती और निशा से। और बस ये जो शरीर की जितनी भी बीमारियों के पॉइंट होते हैं गाइस, वो जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो हाथों की हथेलियाँ और पैरों की पत्तलियों में होते हैं। तो कौन से प्रेशर पॉइंट से क्या बेनिफिट है वो भी आप मेरे इसी चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा। और मैनिक्योर पेडिक्योर डाल रखा है मैंने, तो बस इसी के नाम से विजिट कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो गाइज, मैं 10 वर्षों से यहाँ पर मेरी निशुल्क क्लासेस चल रही है। इस क्लासेस में कई कई चीज़ें मैं सिखाती हूँ, हैंडीक्राफ्ट के आइटम में 100, सिलाई मशीन और कुकीज़ वगैरह, रेसिपी मतलब, और पार्लर और ट्यूशन पढ़ाना भी बताती हूँ। और मेहंदी बिल्कुल निशुल्क है, इसमें सादा दुल्हन अरेबियन मेहंदी है। और कई लोगों ने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया है, कई इसको जो है पार्लर का सीख के नौकरी भी करने लगी है, कई ने पार्लर भी खोला है। तो और निशुल्क यहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, गरीब बच्चों को। और मेरा एक चैनल है सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी स्वामी के नाम से, उसको भी आप विजिट कीजिए कि मैं और क्या क्या करती हूँ। और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा गाइस, जो मेरा दूसरा चैनल है उसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बस फिर मैं नीचे से आ गई थी, इधर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब जो है पानी ठंडा नहीं पिया जाता, चरी में गर्म पानी मिला दूंगी। इधर दाल बनाई है, मिक्स दाल, पराठे बनाए, लहसुन की चटनी दे दी और दूध दे दिया काढ़ा, लौंग, इलायची, काली मिर्ची और तुलसा जी और अदरक। तो बस यही हमारा डिनर था। गुड नाइट गाइस, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।